नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सौराष्ट्र एक्सप्रेस के बारे में, जो कि दादर वेस्टर्न मुंबई महाराष्ट्र से पोरबंदर गुजरात के बीच में हफ्ते के 7 दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सौराष्ट्र एक्सप्रेस के बारे में, जो कि दादर वेस्टर्न मुंबई महाराष्ट्र से पोरबंदर गुजरात के लिए रोजाना ट्रेन है, डेली ट्रेन है। ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टिकट किराए और टाइम टेबल के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सौराष्ट्र एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 19015। ये जो ट्रेन है दादर वेस्टर्न से रोजाना चलती है और दादर वेस्टर्न से पोरबंदर की जो दूरी है 20 घंटे में कवर करती है। इसके तकरीबन 56 स्टेशन हैं, 947 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है, एवरेज स्पीड है 47 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, आईसीएफ कोचेस वाली ट्रेन है और वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। आगे बात करते हैं इसके रूट मैप के बारे में। तो ये जो सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है दादर वेस्टर्न से स्टार्ट होती है, फिर वसई रोड, दुहानू रोड होते हुए ये वलसाड गुजरात में पहुंचती है, फिर सूरत, भारूच जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, राजकोट जंक्शन, जामनगर होते हुए ट्रेन जो है पोरबंदर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। तकरीबन 946 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो सौराष्ट्र एक्सप्रेस में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर बाकी सभी कोचेस में जो है आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो रिजर्वेशन के लिए आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से टिकट किराया कन्फर्म कर सकते हैं। या अभी जो मैं आपको किराया बताऊंगा वो दादर वेस्टर्न से पोरबंदर तक का होगा। तो दादर वेस्टर्न से पोरबंदर तक सौराष्ट्र एक्सप्रेस का जो सेकंड एसी का टिकट किराया है वो है 1800 रुपये, जिसमें 1664 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 86 रुपये है। टोटल किराया 1800 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। बाकी इसमें थर्ड एसी के कोच भी हैं, जिसका दादर वेस्टर्न से पोरबंदर तक का टोटल किराया 1255 रुपये है, जिसमें 1155 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, 60 रुपये GST चार्ज शामिल है। टोटल किराया जो बनता है वो है 1255 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर से जाके जरूर कन्फर्म करें। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 7 कोच हैं, जिसमें GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। 465 रुपये स्लीपर क्लास का दादर वेस्टर्न से पोरबंदर तक का किराया बनता है, जिसमें बेस फेयर है 445 रुपये, 20 रुपये है रिजर्वेशन चार्ज, टोटल किराया 465 रुपये बनता है। बाकी जनरल डिब्बों की बात करें तो जनरल डिब्बों के तकरीबन 4 कोच हैं, 2 कोच इंजन की तरफ लगाए गए हैं, 2 कोच ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसका टिकट किराया लगभग 270 रुपये के करीब है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कन्फर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं सौराष्ट्र एक्सप्रेस के दादर वेस्टर्न से पोरबंदर तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं और उन स्टेशन पर इस ट्रेन का क्या टाइम टेबल है, क्या स्टॉपेज है। सौराष्ट्र एक्सप्रेस जो कि डेली ट्रेन है दादर वेस्टर्न मुंबई महाराष्ट्र से, हर रोज सुबह 9:30 पर यह ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20 घंटे बाद ये ट्रेन जो है पोरबंदर गुजरात में पहुंचती है। इसके तकरीबन 56 स्टेशन है, 947 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड सुबह इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है बोरीवली। बोरीवली में ट्रेन जो है सुबह 9:48 पर पहुँचती है और 9:51 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 23 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BYI। इसके बाद वसई रोड महाराष्ट्र में सुबह 10:14 पर पहुंचती है और 10:16 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। विरार रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन जो है सुबह 10:28 पर पहुंचती है और 10:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 50 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। सभाले स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 10:46 पर पहुंचती है और 10:48 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पालघर महाराष्ट्र में ट्रेन जो है सुबह 11:00 पहुंचती है और 11:02 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 80 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बोईसर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है सुबह 11:12 पर पहुंचती है और 11:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बोईसर के बाद ये ट्रेन जो है दहानू रोड रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में पहुंचती है सुबह 11:30 पर और 11:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है DRD।
इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन गोहलवाड स्टेशन में पहुंचती है। गोहलवाड स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 11:42 पर पहुंचती है और 11:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 124 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है गुजरात में एंटर करती है। उमरग्राम रोड पर यह ट्रेन जो है सुबह 11:54 पर पहुँचती है और 11:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 134 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। संजन स्टेशन में ट्रेन जो है दोपहर के 12:01 पर पहुँचती है और 12:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 140 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SJN। इसके बाद भीलवाड़ रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 12:12 पर पहुंचती है और 12:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वापी गुजरात में ट्रेन जो है दोपहर के 12:24 पर पहुंचती है और 12:26 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 162 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है वापी VAPI। इसके बाद ये ट्रेन जो है उड़वड़ा रेलवे स्टेशन गुजरात में पहुंचती है दोपहर के 12:37 पर और 2 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है और यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। 172 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है पारडी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है दोपहर के 12:45 पर और 12:46 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वलसाड गुजरात में दोपहर के 1:01 पर पहुँचती है और 1:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बिलीमोरा जंक्शन गुजरात में दोपहर के 1:20 पर पहुँचती है और 1:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 206 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बिलीमोरा जंक्शन के बाद अमलसर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है दोपहर के 1:29 पर पहुँचती है और 1:31 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है नवसारी रेलवे स्टेशन गुजरात में दोपहर के 1:57 पर पहुंचती है और 2 बजे के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 228 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है NVS। नवसारी गुजरात के बाद ये ट्रेन जो है मरोली रेलवे स्टेशन गुजरात में पहुँचती है दोपहर के 2:12 पर और 2:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उधना जंक्शन सूरत गुजरात में दोपहर के 2:35 पर पहुंचती है और 2:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 253 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दादर वेस्टर्न से चलकर सूरत गुजरात में पहुंचती है दोपहर के 2:47 पर और 2:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सूरत के बाद सयान स्टेशन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:10 पर पहुंचती है और 3:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। किम रेलवे स्टेशन गुजरात में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:21 पर पहुंचती है और 3:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 280 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। किम के बाद यह ट्रेन जो है कौसंबा जंक्शन गुजरात में पहुंचती है दोपहर के 3:31 पर और 3:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 288 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है कौसंबा जंक्शन तक। इसके बाद पनोली रेलवे स्टेशन गुजरात में दोपहर के 3:42 पर पहुँचती है और 3:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अखिलेश्वर जंक्शन गुजरात में दोपहर के 3:56 पर पहुँचती है और 3:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 307 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अखिलेश्वर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है भारूच जंक्शन गुजरात में शाम के 4:11 पर पहुँचती है और 4:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 6 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 316 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BH। नबीपुर रेलवे स्टेशन गुजरात में शाम के 4:31 पर पहुंचती है और 4:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 328 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है।
पालेज रेलवे स्टेशन पे शाम के 4:47 पे पहुंचती है, 4:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है PLJ। यहां तक की जो दूरी है 342 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। मियागम करजन रोड जंक्शन पे यह ट्रेन जो है शाम के 5:02 पे पहुंचती है और 5:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 357 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इटोला रेलवे स्टेशन गुजरात में यह ट्रेन जो है शाम के 5:14 पे पहुंचती है और 5:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है विश्वामित्री जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:38 पे और 5:40 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 383 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन गुजरात में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है शाम के 5:48 पे पहुंचती है और 5:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। वलसाड जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है शाम के 6:13 पे पहुंचती है और 6:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 407 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है आनंद जंक्शन गुजरात में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है शाम के 6:30 पे पहुंचती है, 6:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कंजारी बोरियावी जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 6:40 पे पहुंचती है, 6:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है दादर वेस्टर्न से चलकर नादियत जंक्शन गुजरात में शाम के 6:52 पे पहुंचती है, 6:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 441 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड ND। महमदाबाद खेड़ा रोड रेलवे स्टेशन पे शाम के 7:10 पे पहुंचती है और 7:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 458 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बरेजाडी नांदेज रेलवे स्टेशन पे शाम के 7:27 पे पहुंचती है और 7:29 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 470 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। मणिनगर अहमदाबाद गुजरात में यह ट्रेन जो है शाम के 7:45 पे पहुंचती है और 7:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद दादर वेस्टर्न से चलकर सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में रात के 8:10 पे पहुंचती है और 8:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। साबरमती रेलवे स्टेशन पे यह ट्रेन जो है रात के 8:35 पे पहुंचती है और 8:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 492 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। चंदलोडिया रेलवे स्टेशन पर रात के 8:44 पे पहुंचती है और 8:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सनांद स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 9:02 पे पहुंचती है और 9:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। विरंगम जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:40 पे पहुंचती है और 9:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 552 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। सुरेंद्रनगर जंक्शन गुजरात में रात के 10:53 पे पहुंचती है और 10:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 617 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद थान रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 11:28 पे पहुंचती है और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। वनखानेर जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है रात के 11:55 पे पहुंचती है और 11:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है राजकोट जंक्शन गुजरात में रात के 1:00 पहुंचती है और
5 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 733 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। हापा रेलवे स्टेशन गुजरात में ट्रेन जो है रात के 2:10 पर पहुँचती है और 2:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 809 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। जामनगर गुजरात में ट्रेन जो है रात के 2:24 पर पहुंचती है और 2:29 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 818 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। भानवाड़ रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 4 बजे पहुँचती है और 4:01 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वनस जलिया जंक्शन में सुबह 4:19 पर पहुंचती है और 4:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 912 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है VSJ। इसके बाद दादर वेस्टर्न से पोरबंदर तक चलने वाली सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रणव रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है सुबह 4:36 पर और 4:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दादर वेस्टर्न से चलकर अपने आखिरी स्टेशन पोरबंदर गुजरात में सुबह 5:30 पर पहुँचती है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 947 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहे।